इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उनके साथ। लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रही। एक ही बूथ पर यदि कोई दो बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई, इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उनके साथ, यह जांच का विषय। और यहाँ भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीज़ों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बूथ पर, एक ही बूथ पर यदि कोई दो बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको, आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाले कौन होती हैं? आप यदि उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान होने चाहिए। पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोनी आचार्य गई और वहां पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तूतू मैमे करने का काम रोनी आचार्य ने किया है, तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है।